मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और जितना कुछ बाकी होगा आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, कम्प्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिडिटी, यानी कि क्लास टेंथ का एक चैप्टर जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होते हैं कंपलसरी ही होता है। तो आपको इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। एनसीईआरटी की हर एक बुक की हर एक लाइन हर एक डायग्राम को देख के जाना है, क्योंकि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनसीईआरटी के डायग्राम को जरूर देख कर जाए। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मेंडल। मेंडल कौन थे, इन्होंने क्या किया था और इनके लॉ कितने थे। आइए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वॉट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो होती है ना, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे में जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर हमको मिला है वही तो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं, वही तो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मैंने क्या लिख रखा है। द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक। यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिले होते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। द हेरिडिटी यूनिट इज कॉल्ड जीन। और वो कैरेक्टर को कौन निर्धारित करता है? जीन बोलते हैं। यानी कि अगर हमारी आँख नीला है तो वो किसी जीन के माध्यम से, हमारे बाल ब्राउन है तो वो भी किसी जीन के माध्यम से होते हैं। तो यानी कि इन कैरेक्टर्स को जो लागू कर रहा है, जो उसको निर्धारण कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी को आपको पता चल गया कि ऐसे कैरेक्टर जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, यानी कि अगर हम आज देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के समान तो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर ही कहे जाते हैं। और उनको कौन निर्धारित करता है? जीन्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी। द जेनेटिक अपीयरेंस इज कॉल्ड जीनोटाइप। आप पढ़े हुए इस चैप्टर को तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक जीनोटाइप होता है एक फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप जो जीन्स जो दिखाई देते हैं, और फिनोटाइप जो फिजिकल कैरेक्टर देखते हो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइपिक एंड जेनेटिक अपीयरेंस कॉल्ड जीनोटाइप। टाइप डिफरेंस ऑफ ग्रुप, यानी कि अगर आप ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंसेस देख रहे हो उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन किसे बोलेंगे? जब हम कुछ ग्रुप्स में या कोई भी चीज़ों में आप कोई भी डिफरेंस देख रहे हो वो वेरिएशन होता है। देखिए, कैरेक्टर को हम इस जेनेटिक लैंग्वेज में ट्रेट बोलते हैं, TRAIT। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आप कैरेक्टर या ट्रेट दिया हो तो उसमें कन्फ्यूज ना हो, ट्रेट को ही क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल थे एक चर्च के पादरी माने जाते हैं, और इन्होंने कम से कम कितने पी प्लांट पर आपने डिस्कवरी किया था? 20,000 से 28,000 तक पी प्लांट उन्होंने लिया और 7 कैरेक्टर को डिस्कवर किया। मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक की डिस्कवरी की थी। मेंडल स्टडी ऑफ पी प्लांट, मेंडल ने स्टडी किया किस पे किया? मटर के पौधे पर। इन्होंने क्यों मटर का पौधा चुन किया? ये आपको प्लेलिस्ट में जेनेटिक में मिल जाएगा। आप जाकर अगर आप नहीं पढ़े हुए एक चैप्टर अच्छे से तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और जेनेटिक पे 3-4 लेक्चर होंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती है, क्योंकि यह जो है फास्ट रिविजन है। तो 7 कैरेक्टर कौन कौन से? सीड का कलर, सीड का सेप। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन। फ्लावर सॉरी पोड कलर, पोड मतलब फली जो छेमी बोलते हैं, पोड का से पोड का कलर। और स्टेम हाइट, यानी कि 7 कैरेक्टर इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, और किस बेस पे किया था ये भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। डोमिनेंट एक होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट मान लीजिए ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना जो रिसेसिव को दबाकर खुद एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि ये डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो कर सकता है लेकिन रिसेसिव नहीं करता है। रिसेसिव कब कैरेक्टर शो करेगा? जब डोमिनेंट जीन नहीं होते। देखिए मैंने ये लिख रखा है, ए डोमिनेंट ट्रेट इज अन इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट अपीयर इन एन ऑफस्प्रिंग। जब ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर देखते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मेरे बालों का कलर ब्राउन दिख रहा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहीं ना कहीं ब्लैक से, वो उसी तरह यानी कि आपके शरीर में जो कैरेक्टर दिख रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो एक्सप्रेस हो रहा है। रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा? जब डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं होगा, जब डोमिनेंट जीन इज नो प्रेजेंट। जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं होता तब रिसेसिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मेंडल लॉ। मेंडल का लॉ थे, देखिए पहले मेंडल के 3 लॉ थे। क्या थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, और एक लॉ जो था पहला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो है ये जो
पहला लॉ है सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नाउ के इनकम्प्लीट लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है। तो ये जो ये लॉ यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है, यानी कोई भी ऐसा कोई भी करेक्टर नहीं है तो हमेशा के लिए इनकम्प्लीट होगा, कभी ना कभी वो कैरेक्टर क्या होगा, सो होगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि अब मेंडल के दो लॉ ही हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन से लॉ पढ़ सकते हैं, यानी कि एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप तीनों का नाम लिख के पहला जो लॉ है यानी कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट करके है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आप उसको क्या करिएगा, हाइपोथेसिस बताइएगा, यानी कि वो लॉ क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों लॉ माने जाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि 9:3:1 जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराने पे आता है कैसे आता है, तो आपको उसी प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। यानी कि यहाँ से आपको शॉर्ट समरी दी गई है कि मेंडल कौन थे, मेंडल का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 7 कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। 7 कैरेक्टर में जैसे कि अगर मैंने कहा दिया मैम सीट का कलर, तो सीट का कलर क्या होता है, सबसे पहले सीट का कलर क्या होगा, येल्लो, उसके बाद ग्रीन। मैम पहले येल्लो क्यों है, क्योंकि येल्लो डोमिनेंट है और ग्रीन बाद में होगा। उसके बाद कह देगा सीट का शेप, तो राउंड एंड व्रिंकल्ड, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से तैयारी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार कम से कम प्लेलिस्ट में जाकर जेनेटिक के सारे वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।